गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आइए आपका स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। और हम माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड के द्वारा जो 9 मार्च को एग्ज़ाम लिए गए हैं इंग्लिश टीजीटी सब्जेक्ट के, इस वीडियो में केवल मैं इंग्लिश टीजीटी सब्जेक्ट की बात करूंगा और उसके एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है क्या जाने की उम्मीद है पिछले साल के लिए। मैं कहे सारे लोगों कमेंट पढ़ा, सर आप कमेंट में एक वीडियो बनाइए। अपना बिजी शेड्यूल होने की वजह से मैं अपने चैनल वीडियो काफ़ी दिनों से अपलोड नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन आप लोग की डिमांड पे ये वीडियो मैं लेके आया हूं एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे। अगर हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे देखें तो लोग वीडियो बनाए जा रहे हैं, इसके लिए आप लोग को 2-3 बातों का जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि कट ऑफ में क्या चीज़ें रहनी चाहिए। कट ऑफ के लिए पहले तो हमें सीटों की संख्या पता रहनी चाहिए, और सीटों की संख्या के अलावा कितने विद्यार्थियों ने एग्ज़ाम दिया है और पिछले साल का रिकॉर्ड क्या है। अगर हम सीटों की संख्या पर बात करें तो सीटों की संख्या 988 जो आयोग ने संशोधित करके दे दी, ये टोटल हैं आपके टोटल सीट्स हैं, जिसमें आपको इतने टोटल सीटों का ध्यान रखना है। ठीक, अगर हम पिछले साल यानी पिछले साल जो एग्ज़ाम हुआ था TGT के, अगर पिछले साल के TGT के एग्ज़ाम बात करें तो ये TGT का एग्ज़ाम जो 2016 में हुआ था उसकी कट ऑफ मेरिट देखिए, क्योंकि इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा हमारी जो 2019 में एग्ज़ाम हुए हैं। 2019 वाले एग्ज़ाम में इस मेरिट का बहुत बड़ा असर पड़ेगा। आइए देखते हैं, इस कट ऑफ में अगर हम बात करें तो समान अभ्यर्थियों के लिए जनरल के लिए 377.23 नंबर जो कैंडिडेट पाया था वर्ग एक में, वर्ग एक मीन्स बालक वर्ग, मैं बालक वर्ग की बात कर रहा हूँ। बालक वर्ग इसमें दो वर्ग चलते हैं, बालक वर्ग और बालिका वर्ग, तो बालिका में वर्ग दो आता है ए यानी फीमेल कैंडिडेट के लिए। ठीक, अगर इसमें बात करें तो जो 377 नंबर पाया था जनरल कैंडिडेट वो सेलेक्ट था। 377 मीन्स इसमें इंटरव्यू के भी नंबर हैं, इसमें इंटरव्यू के 50 मार्क्स जोड़े गए हैं, 50 मार्क्स जोड़ के ही एक कटअप बनाई गई है। ठीक, अगर हम पिछले साल की कटअप की बात करें तो जनरल का 377 है और पिछड़ी जाति के लोगों के लिए यानी OBC के लिए 361। देखिए वेरिएशन देखिए कितना है, लगभग 16 नंबर का वेरिएशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। 16 मीन्स अगर आप इसको 3.4 से भाग देंगे, 3.4 का मतलब 125 क्वेश्चन रहता है हमारा 425 नंबर का, जब इसे आप डिवाइड करेंगे तो करके देख लीजिएगा 3.4 आएगा। ठीक, 3.4 आएगा, तो इस 3.4 को 16 से वेरिएशन करेंगे तो लगभग आपके सामने आएगा जनरल और OBC में 4.50 से कुछ ज़्यादा आएगा पॉइंट का डिफरेंस रहता है। ठीक, यानी इतने अंतर रहेंगे, लेकिन जब हम इंटरव्यू के लिए फर्स्ट पेपर की कॉलिंग इंटरव्यू कॉलिंग की करें तो इंटरव्यू कॉलिंग के लिए जो 2016 में बुलाई गई थी, इंटरव्यू कॉलिंग के लिए जनरल की जो सीट थी, जनरल के लिए कट ऑफ आई थिंक 89 गई थी और OBC की जो गई थी कट ऑफ वो 92 के समथिंग गई थी। देखिए OBC की ज़्यादा चली गई थी, इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा। OBC की ज़्यादा जाने की वजह से ये ना समझिए, क्योंकि फाइनल में OBC की डाउन होती है। अब अगली बात करें अनुसूचित जनजाति के लिए तो 324 नंबर पा के आखिरी कैंडिडेट सेलेक्ट हुआ था। और नीचे देखिए आपके बैकलॉग की भी कट ऑफ उतनी ही गई है, देख लीजिए 337 है, OHH की, HH कितनी है, VH कितनी, आप लोग इसको देख लीजिएगा। ठीक, लेकिन मैं सामान्य और पिछड़ी अनुसूचित पर विशेष देखे बता रहा हूँ कि कटअप क्या जाने की उम्मीद है। तो इस आंकड़े को कटअप बनाने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि आंकड़ा क्या है पिछले साल का, या 2016 का आंकड़ा है। ठीक, अब हम 2013 की भर्ती का आंकड़ा है, सॉरी, अगर हम इस वैकेंसी की बात करें जो 2013 में विज्ञापन हुआ था ये हुआ था, अब अगर हम अपनी वैकेंसी जो है जो हमारे सामने 2016 के नोटिफिकेशन में निकला था, 2016 में नोटिफिकेशन आया था। ठीक, इस नोटिफिकेशन में अगर बात करें तो हमारे सामने 988 पद टोटल है, पिछली बार कितने थे, पिछली बार 578 पद पर रिजल्ट आया था, या 500-600 नहीं था, मुझे पता है 10 या 12 सीट और भी कम बेसी हो सकती थी, एग्जैक्ट आखिर में देख लीजिएगा आप लोग, रिवाइज रिजल्ट भी आए थे। ठीक, उसमें तो इतने 600 के अंडर ही थे, तो देखिए वेरिएशन देख लीजिए, करीब करीब यहाँ पे हमारे सामने सीटों की संख्या 578 में से जब माइनस करेंगे आप 410 सीट 410
सीट यहाँ पे प्लस हैं इस वैकेंसी में, करीब करीब 410 यानी कहीं डबल सीट को इसे मान सकते हैं, ठीक। तो इसका भी मेरिट पर निर्धारण करने में कहीं ना कहीं असर पड़ता है। अब आइए अब देखते हैं, सीट ज़्यादा रहने से 2013 में जो थे कट ऑफ गई थी 90 मान लेते हैं जनरल, क्योंकि 89 गई थी मैंने बता दिया, 90 एक रेशियो ले लेते हैं सीधे सीधे 90, ठीक। जबकि पेपर भी कहीं ना कहीं पेपर का लेवल भी मेरिट निर्धारित में बहुत बड़ा रोल योगदान करता है, अपना रोल अदा करता है। 2013 का पेपर आप लोग देखेंगे, एक एवरेज पेपर पिछले साल के रिपीटेड क्वेश्चंस और शिल्पी जो पढ़ गया था उससे काफ़ी फायदा हुआ था, और लड़कों ने कहा था पेपर बहुत ही 2016 की तुलना में जो 19 में एग्जाम हुआ इसके तुलना में 13 वाला पेपर बहुत ही ईजी आया था, ठीक। तो इसकी वजह से मेरे जब ईजी पेपर आया था तो 90 गई थी, और हमारा अगर 2016 का पेपर की बात करें तो क्वेश्चन का पैटर्न इस बार आयोग ने चेंज किया है, और चेंज करने के साथ साथ उसने नए तरीके से ग्रामर के फॉर्मेट पर क्वेश्चन बनाए, जिसको लेके कन्फ्यूजन काफ़ी हो गई ग्रामर में अगर बात करें तो काफ़ी, एक ये मैटर रह गया। और दूसरा हो गया वर्ड पावर की, वर्ड पावर इंग्लिश में वर्ड पावर 17 से 20 क्वेश्चन मान लेते हैं वर्ड पावर दिए गए थे, और काफ़ी टफ वर्ड दिए थे, कुछ ही लोग इसको सही कर पाए, इस चीज़ को भी ध्यान देखिए। और जो ग्रामर के क्वेश्चन थे थ्योरेटिकल बेस पे पूछे गए थे, वन लाइनर टाइप के नहीं थे, ठीक। आइए समय न बर्बाद करते हुए कट ऑफ की बात करें, क्योंकि मैंने सीटों की संख्या की बात कर दी, पिछले साल कट ऑफ की बात कर दी, और पेपर के लेवल की बात कर दी। तो मेरिट निर्धारित करने के लिए तीनों चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। अब आइए एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें, अगर हम जनरल कैंडिडेट की बात करें जिन्होंने इस पेपर में 85 प्लस किया है वो जाएंगे इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू के लिए नो डाउट कॉलिंग होगी, नो डाउट लिख के ले लीजिए 100% उनकी कॉलिंग होगी। अगर नहीं होगी तो इसी वीडियो पर आप लोग आके कमेंट कर सकते हैं, ठीक। अगर ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में थोड़ा सा वेरिएशन रह सकता है, लोग कम बता रहे हैं कि ओबीसी कम जाएगी, नहीं 85 है तो मे भी 84 से 87 तक ओबीसी की कट ऑफ रहेगी, ये नोट कर लीजिए आप लोग, कट ऑफ बनाने का आइडिया यही होता है, ओबीसी की थोड़ी ज़्यादा जा रही है। अगर एससी कैंडिडेट की बात करें, तो ओ एससी प्लस पे सेफ जोन में रहेंगे और 75 तक भी जा सकती है, ठीक। इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा, जनरल 85 प्लस सेफ इतना, और ओबीसी 84 से 87, एससी 75 से 80 के बीच में रहने की उम्मीद है। हाँ ये तो हो गई हमारी कट ऑफ की। अब फाइनल सिलेक्शन जो होता है, अगर फाइनल सिलेक्शन की हम बात करें, फाइनल सिलेक्शन के लिए हमें इंटरव्यू का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर इंटरव्यू की बात करें, इंटरव्यू में अगर बात करते हैं हम, तो इंटरव्यू हमारा टोटल 50 मार्क्स का रहता है, 50 मार्क्स का। अब 50 मार्क्स भी बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि टीजीटी का एग्ज़ाम एक एक क्वेश्चन है, तो इसमें आप थोड़े से नंबर ऐड कर लीजिए। जैसे कि मैं जनरल अगर कहूँ, अगर जनरल कैंडिडेट 85 पे इंटरव्यू देता है तो उसका सिलेक्शन 88 पे होगा, ठीक। और फाइनल कटअप में ओबीसी नीचे आएगी, और यह देखिए 2016 में 4 अंक का वेरिएशन रहा, क्योंकि सीट भी डबल है, तो ओबीसी और जनरल भी कम से कम 6 मार्क्स का अंतर रहेगा, और कटअप जाएगी 82 तक, ये आप लोग नोट करके नो डाउट रख लीजिए। और एससी कैंडिडेट 82 मतलब 82 क्वेश्चन प्लस इंटरव्यू में आप 35 से 40 नंबर पाए हों, ठीक, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब मैं बता रहा हूँ, अगर एससी का कैंडिडेट 75 भी पा गया है तो अपने आप को सेलेक्ट माने, क्योंकि वो सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक। और आप लोग इस कमेंट के बाद अपनी वीडियोस के नीचे कमेंट बॉक्स में अपने मार्क्स शेयर करें कि आप लोगों ने कितना पाया है, क्योंकि मैं जितने भी एवरेज लड़कों को जानता हूँ सब ने कहा कि सर 100 के बिलो ही हम लोग हैं जो अच्छे खासे स्टूडेंट हैं, और मैक्सिमम लोग तो 90 यानी कुछ ही लोग 90 क्रॉस करके ऊपर चढ़े हैं, और जो चढ़े हैं 100 के अंदर ही हैं। तो इसलिए मान के चलिए सीटों की जो संख्या पिछले साल की अपेक्षा 2 के मल्टीप्लाई 2 में है,
तो इस चीज़ को ध्यान रखते हुए कट ऑफ का भी थोड़ा सा फ्लक्चुएशन 10 नंबर देखने को मिल सकता है, या कट ऑफ अगर उन लोग भी होपलेस ना हो जो 50 कम, कहीं ना कहीं या कोई फाइनल कट ऑफ नहीं है, आपको 80 तक भी इंटरव्यू के लिए कॉलिंग हो सकती है, आप लोग टेंशन ना लें। हाँ, कुछ लड़के नो डाउट मेरिट में अच्छे नंबर पाएँ, लेकिन उनसे कट ऑफ का निर्धारित नहीं होता है। ठीक, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए आपको यह मेरा आंकड़ा कैसा लगा। अगर आप लोग अपने नंबर बताएंगे तो एक रिवाइज कट ऑफ की लिस्ट मैं जारी करूंगा, और वो एग्जैक्ट कट ऑफ होगी जो आयोग से मिलती जुलती रहेगी, आप लोग देख लीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे साथ इसी तरह बने रहने के लिए धन्यवाद। इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहेगी, इसके लिए आप हमें सब्सक्राइब करें और घंटे वाले आइकन को प्रेस करें।